दोस्तों, आज के इस नए वीडियो में आप सभी को बताने वाला हूं, जितने भी प्रीपेड कार्ड्स होते हैं, चाहे वो यहाँ पे लेजी पे हो गया, उसके बाद बात करें आगे नेक्स्ट अपन बात करें तो यहाँ पे यूनीपे हो गया, उसके बाद अगर अपन आगे बात करें तो यहाँ पे स्लाइस वाला कार्ड हो गया, उसके अलावा बात करें तो ये धनी वाला कार्ड हो गया, इसके बाद नेक्स्ट अपन बात करें तो ये जूनियो वाला कार्ड हो गया, उसके बाद अगर अपन बात करें तो यहाँ पे अकोडू के लिए बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे, अकोडू वाला कार्ड हो गया, और उसके बाद बात करें तो पोस्ट पे वाला कार्ड हो गया। ऐसे किसी भी कार्ड से अगर आप ट्रांसफर करना चाहते हो मनी अपने बैंक अकाउंट में, पूरा वीडियो आप लोग लास्ट तक देखिएगा। मोस्टली जितने भी कार्ड्स मैंने आपको इस वीडियो में बताए ये सभी भी वर्क कर रहे हैं। इसके अलावा भी कोई भी प्रीपेड कार्ड है तो वो सभी भी वर्क कर रहे हैं। कैसे करना है, क्या करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूं। आप सभी लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, सबसे पहले छोटा अमाउंट ट्राई कीजिएगा, 100-150-200 रुपए, अगर वो सक्सेसफुली हो जाता है उसके बाद ही आगे ट्राई कीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस समय ट्रिक वर्किंग कर रही है, उसके बाद का पता नहीं बाद में काम करेगी या नहीं करेगी। तो मेरी ये चेतावनी है, आप लोग पहले छोटे अमाउंट से ट्राई कीजिएगा, उसके बाद अपने हिसाब से सारा अमाउंट को आप धीरे धीरे ट्रांसफर कर लीजिएगा। क्या करना है, कैसे करना है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देता हूं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट करूंगा, हाथ जोड़ के इस वीडियो को आप लोग लाइक कर देना ताकि हमें भी मोटिवेशन मिल सके और भी ज्यादा वीडियो ऐसे बनाने का। और चैनल पर पहली बार घूमते फिरते हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबा लीजिएगा। अगर आपको कोई सवाल है, कोई ऐसा कार्ड है जिससे पैसा आपका ट्रांसफर नहीं हो पा रहा बैंक अकाउंट में, तो कमेंट कीजिएगा, हम कोशिश करेंगे उसके लिए कोई ना कोई ट्रिक, कोई ना कोई मेथड ऐसा सोचने का कि भैया आपका पैसा बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सके। कैसे करना है, क्या करना है, आगे आपके सामने लाइव किसी भी एक दो कार्ड के मैं ट्रांजेक्शन करके आपको दिखा दूंगा। बाकी मोस्टली मैंने खुद ने पर्सनली वेरीफाई करे ऑलमोस्ट जितने भी प्रीपेड कार्ड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, सब कुछ वर्क कर रहा है। कैसे करना है मैं पहले आपको शॉर्ट में यहां पे समझा देता हूं अभी के अभी, और आगे आपके साथ अटैच कर देता हूं मोबाइल स्क्रीन को जहां पे मैंने इसको रिकॉर्ड करा है, कैसे क्या करना है। देखो यहां पे मैं आपको समझा देता हूं, सबसे पहले आपको दो एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, उसके बाद आप सारा काम यहां पे कर पाएंगे। सबसे पहला काम आपको फियोपे एप्लीकेशन पे अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसके बारे में प्रीवियस के कुछ वीडियोस में ऑलरेडी मैंने बताया है। तो फियोपे पे सबसे पहले अपना अकाउंट बना लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फियोपे पे अपना अकाउंट बना लीजिए। जैसे ही आप फियोपे पे अकाउंट बना लेते हैं कुछ भी लिमिट मिलेगी, 500, 1000, 2000, 3000, 5000, मैक्सिमम 6000 रुपए तक की आपको लिमिट मिलेगी। अगर कुछ भी फियोपे में लिमिट नहीं मिलती है आपको, फियोपे में अगर आपको जीरो मिलता है और कहता है यू आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस अकाउंट, ऐसा कुछ फियोपे में आता है, तो आप इस वीडियो को स्किप यहीं कर देना, आपका पैसा ट्रांसफर मैं नहीं करवा पाऊंगा, माफी चाहूंगा। और अगर आपको फियोपे में कोई भी लिमिट मिलती है, मान के चलो 500, 1000, 2000 कुछ भी आपको लिमिट मिल गई, इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपका पैसा 100% 0% चार्ज के साथ बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, फियोपे पे लिमिट मिल गई, ठीक है, अब उस लिमिट को आपको अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेना, किसी भी क्यूआर कोड, पेटीएम, फोन पे, XYZ जो भी क्यूआर कोड है उसको स्कैन करना है, आगे सारा प्रोसेस लाइव करके भी दिखाने वाला हूं। स्कैन करिएगा, पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, फियोपे एप्लीकेशन पे जो लिमिट मिली है वो पैसा आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। अब आपको क्या करना है, ओला मनी का नाम सुना है, ओला मनी एप्लीकेशन प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना और या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्लिक करिएगा, डाउनलोड करिएगा, अपना अकाउंट बना लीजिएगा। बेसिक आपको मिनी केवाईसी के लिए पैन कार्ड वगैरह डाल के अपना अकाउंट बिल्कुल एकदम क्लियर बना लीजिएगा। उसके बाद वहां पर एड मनी का सेक्शन आएगा, एड मनी कर लीजिएगा, किसी भी क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड वाले सेक्शन में जाना, कोई से भी कार्ड हो उससे आप 100-200 रुपए एड करके देख लेना। अब आपका पैसा एड हो चुका है ओला मनी के अंदर, ठीक है। अब फियोपे एप्लीकेशन पे जाना है, वहां पर रीपेमेंट का ऑप्शन आएगा, उस रीपेमेंट वाले ऑप्शन पे नीचे वॉलेट वाला ऑप्शन आएगा, वहां पे ओला मनी सेलेक्ट कर देना है और पैसा ट्रांसफर कर देना है अपने बैंक, मतलब यानी कि कहने का मतलब फियोपे का पैसा आपको भेज देना है अपने बैंक अकाउंट में, और फियोपे जो उधार आपने फियोपे से लिया है उसको रीपेमेंट कर देना है ओला मनी से, और ओला मनी में पैसा ऐड कर लेना है किसी भी कार्ड से, जितने भी कार्ड है मोस्टली सब काम कर रहे हैं। देखो जैसा कि आप सभी लोगों को बताया मैंने, सबसे पहले अपना फियोपे पे अकाउंट बना लीजिए। मैंने फियोपे पे अपना अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना रखा है, और फियोपे पे अगर मैं चलता हूँ तो मुझे यहाँ पे 6000 रुपए की लिमिट मिली हुई है, और जिसमें से मैंने 1300 कुछ रुपए यूज करे हुए हैं। बेसिकली आपको जो भी लिमिट मिलेगी 1000, 2000, 500, 1500, पहली बात लिमिट मिलनी चाहिए, मैक्सिमम 6000 की मिलती है और मिनिमम हो सकता है 500-1000 की भी मिले। जो भी लिमिट मिलती है उसको सिंपली क्यूआर कोड आएगा, उसे सिंपली स्कैन करिएगा, कोई सा भी क्यूआर कोड आपके पास, पेटीएम, फोन पे, गूगल पे या कोई सा भी क्यूआर कोड XYZ आपके पास है, सिंपली उस क्यूआर कोड पे आपको इस पैसे को, जैसे मैं 1000 रुपए है इसको मैं यहाँ पे सिंपली अपना ट्रांसफर कर देता हूँ। जैसे ही मैंने 1000 रुपए ट्रांसफर किया, मेरे फियोपे की जो लिमिट थी
वो मैंने ट्रांसफर कर दी क्यूआर कोड की मदद से अपने बैंक अकाउंट में। आप देखेंगे तो आप, मैं वापस से चलूंगा और वापस से आपको फीओ पे में दिखाऊंगा, तो मैं 1300 की जगह पे 2300 रुपए यहाँ पे यूज कर चुका हूँ। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको सारी चीज समझा देता हूँ। यहाँ पे ओला मनी के ऐप आपको डाउनलोड कर लेनी है, प्ले स्टोर पे या कहीं पे मिल जाएगी। फीओ पे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप रेफरल लिंक से साइन अप करेंगे तो 70 रुपए का एडिशनल बेनिफिट मिलेगा आपको, जो कि मैं अगर आपको फीओ पे में दिखाऊं तो यहाँ पे फीओ पे कैश वाले सेक्शन में जाएंगे तो यहाँ 50 रुपीज मिलेंगे एज ए साइन अप बोनस, आपको 50 रुपीज दिए जाएंगे। चलो बात करते हैं, आप ओला मनी में अपना अकाउंट बनाने के लिए सिंपली ओला मनी में अकाउंट बना लीजिएगा। बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है अपना अकाउंट बनाने के लिए, और यहाँ पर लिखा हुआ है ओला मनी पोस्ट पेड नाउ एंजॉय द बिलिंग साइकिल, ये वो। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नजर आएगा वॉलेट का, सिंपली इस पर आपको क्लिक करना है, थोड़ा सा यहाँ पे ऐड मनी वाले बटन पर क्लिक करिएगा, वापस से बैक करके फिर से क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पे जो भी अमाउंट ऐड करना है, लाइक मुझे यहाँ पे 100 रुपीज़ ऐड करना है, 200 ऐड करना है, 500 ऐड करना है, जो भी अमाउंट ऐड करना है, जैसे मेरे को भी यहाँ पे एक बार 100 रुपीज़ ऐड करना है, सिंपली 100 रुपीज़ ऐड करने के लिए मैं यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे आपको अदर पेमेंट वाले सेक्शन पे जाना है, यहाँ पे डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड वाला सेक्शन नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको टैप करना है। अब देखो मैं यहाँ पे केवल एक का एग्जांपल अकूडू में आपको करके दिखा रहा हूँ, इसके अलावा आपके पास जितने भी कार्ड्स हैं, चाहे वो आपके पास पोस्ट पे हो गया, लेजी पे हो गया, जूनियर हो गया, या एक्सेट्रा, जितने भी प्रीपेड डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड जितने भी कार्ड है, मैं सभी का बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। सिंपली मैंने इस पर क्लिक किया, यहाँ पे मेरा कार्ड आपको कार्ड मुझे देखने को मिलेगा। सिंपली मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, यहाँ पे कुछ प्रोसेस मांग रहा है, मैं उसे अलाउ कर देता हूँ। मैंने अपना कार्ड नंबर कॉपी किया, 384 रुपये मेरे पास यहाँ पड़े हुए हैं। ठीक है, कार्ड नंबर मैंने कॉपी कर लिया, और उसके बाद में यहाँ पे मैं CVV वगैरह भी अभी देख लेते हैं, और इसको सिंपली मैं चलता हूँ यहाँ पर ओला मनी में। यहाँ पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया अपना जो भी कार्ड नंबर था, वो मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सभी चीज़ें आपको लाइव दिख रही होंगी, और यहाँ पे मैंने अपना CVV जो था वो भी मैंने यहाँ पे देख लिया। तो सिंपली मैंने यहाँ पे वो सब चीज़ें यहाँ पे डाली, कुछ चीज़ें आपको हाइड दिख रही होंगी ड्यू टू सिक्योरिटी रीजंस, एंड सिंपली यहाँ पे मैंने कंटिन्यू वाले बटन पे क्लिक कर दिया। अब मेरे मोबाइल पे एक OTP मुझे रिसीव होगा, सिंपली ये OTP मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। जैसे ही ये OTP मेरे पास आएगा, मेरे जो कार्ड है अकूडू वाला, उससे जो है वो अपना जो 100 रुपये निकल जाएंगे। और अगर आपके पास अकूडू का कार्ड नहीं है तो सिंपली आप ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। बहुत सारे फायदे हैं इस कार्ड के, और बहुत सारा प्रॉफिट कमा सकते हो, सिंपली 100 रुपये मेरे यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते हैं वॉलेट में मेरे 100 रुपीज़ ऐड हो चुके हैं, और अभी मेरे यहाँ पे 100 रुपीज़ पड़े हुए हैं। ठीक है, आपके सामने सारा सब कुछ काम किया है। अब इसी प्रोसेस को आगे कंटिन्यू करते हुए हमें क्या करना है, फीओ पे एप्लीकेशन में जाना है, यहाँ पर सेटल वाले बटन पर क्लिक करना है, यहाँ पर आपको अमाउंट डाल देना है 100 रुपीज़, क्योंकि अभी अपने पास 100 रुपीज़ ही है जो कि हमने वहाँ पे ऐड किया ओला मनी में। सिंपली यहाँ पे आपको टैप करना है, जैसे ही आप ओला मनी में यहाँ पे टैप करोगे, सिंपली आपके पास आएगा वॉलेट वाला सेक्शन, वॉलेट वाले सेक्शन पे ओला मनी का सेक्शन दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, और सिंपली OTP आपके पास रिडायरेक्ट करेगा, OTP आएगा, OTP को आप वेरीफाई करा दीजिएगा। जैसे ही आप OTP वेरीफाई कराएंगे, मैंने अपना OTP यहाँ पे वेरीफाई करा दिया, और जैसे ही OTP मैंने वेरीफाई करा, पेमेंट जो है मेरा सक्सेसफुल हो चुका है। अभी आप देखेंगे तो मुझे जो 2300 रुपये दिखा रहा था कि आप यूज़ कर चुके हो, अब वो 2200 हो जाएगा, 2200 यहाँ पे अभी देखेंगे तो अभी आप देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये अमाउंट जो है वो 2229 रुपये का हो गया। अभी यहाँ पे चलते हैं अपने नीचे की तरफ ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन पे, तो 100 रुपये रीपेमेंट कर दिया है मैंने। और अभी चलते हैं ओला मनी में, ओला मनी में आपको दिखा देता हूँ कि भैया मेरे पास यहाँ पे कुछ भी वॉलेट में अमाउंट वापस से 0 हो चुका है। चलो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, सारे ट्रांजेक्शन भी दिखा देता हूँ। फीओ पे को मैंने पेड कर दिया, पहले 100 रुपीज़ मैंने ऐड किया, फिर फीओ पे को पे कर दिया। इसी प्रोसेस को आपको फॉलो कर देना है, सभी तरह के कार्ड्स, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, प्रीपेड कार्ड, सब कुछ इजीली इसमें ट्रांसफर कर पाओगे। ऐसा कोई कार्ड है जिससे आप ट्रांसफर नहीं कर पा रहे तो कमेंट कीजिएगा, आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आई होप आपने सारा वीडियो लास्ट तक देखा होगा, और अगर आपने लास्ट तक पूरा वीडियो देखा होगा तो आपको जरूर से सारी चीजें समझ में आई होगी। और अगर आपका पैसा ट्रांसफर हो गया तो हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज इस वीडियो को लाइक करिएगा ताकि और भी लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। एंड ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।